या आप देख सकते हो जहां से सप्तशृंगी माता ने अपनी एंट्री की थी। ऐसा माना जाता है कि राक्षस को, दैत्यों को मारने के लिए उन्होंने वहां से एंट्री की थी, और वो जो खिड़की या बारी जिसे बोलते हैं वो लोकवाहिका है। तो आप देखिए, आज हम पहली बार सप्तशृंगी माता शाम को जा रहे हैं, तो आपको दिखा दें वहाँ पे सनसेट का क्या माहौल है। हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। के 40 मिनट हुए और आप देखिए सप्तशृंगी जाने का रोड। आप सुबह में आते हो, दोपहर में आते हो, शाम को आते हो, कभी भी आइए, सप्तशृंगी का रोड आप कभी भी एंजॉय कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हो पहाड़ ऊंचे ऊंचे करीबन 30 40 50 फुट ऊपर, राइट हैंड साइड पे दिखाई बहुत ही आह्लादक एटमोस्फियर और विंड और टेम्परेचर है 28-29। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सनसेट दिखाते हैं फ्रॉम सप्तशृंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी हम सप्तशृंगी माता के मंदिर में दर्शन करने आए हुए, शाम को 6:06 हुए हैं और हम आपको यहाँ से सनसेट भी दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत ही अलग एटमोसफियर है और आप देख सकते हो एटमोसफियर बहुत ही धार्मिक है। आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो में, आप आगे तक अंत तक देखते रहिए, आपको हम पूरा सप्तशृंगी माता का दर्शन कराएंगे।
अभी हम सप्तशृंगी में सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल है, थोड़ा सा मंदिर से यानी कि रास्ता आगे चलता है और वहाँ पे आए हुए, और ये कुंड है, ये कुंड में आप स्नान भी कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया नयनरम्य दृश्य सप्तशृंगी का। आप देखें कि सूरज ढलने को है, और ये जो टाइम है सप्तशृंगी में बहुत ही बढ़िया इसका वाइब्स आ रही है, तो आप बोल सकते हो कि इवनिंग इन सप्तशृंगी। यहाँ पे आप आगे देखिएगा कि हम रामा होटल में रुके हुए, और अभी हम आपको ले चलते हैं, हम डिनर करने जा रहे हैं वहाँ पे रामा होटल में ही। ये मॉडल है जो इस तरह का मंदिर बना हुआ है। आप देख सकते हो रामा होटल का किचन, हाँ। बहुत ही बढ़िया। अगर आप सप्तशृंगी में आते हो तो रामा होटल में जरूर रुकिए। यहाँ पे रोहित जी अपने चीफ कुक के, आप देख सकते हो उनके असिस्टेंट, हाँ। सप्तशृंगी में रात में रुकना एक्चुअली एक अपने आप में एक बेहद ही अलग ही एक्सपीरियंस है। आप देखिए इनका डाइनिंग रूम, ये आप देखिए रात को इतना आह्लादक नयन रम्य दृश्य सप्तशृंगी माता की। ये है प्रांगण रामा होटल का, यहाँ पे जरूर रुकिए आप अगर आपके पास टाइम है तो। सप्तशृंगी में रात को रुक के आप इस नज़ारे का आनंद ले सकते हो, और आप वीडियो में देख सकते हो कि कितना बढ़िया प्लेस है। अभी हम वनी से रिटर्न होते सप्तशृंगी से, और रास्ते में द्राक्ष के बागान, तो मैं आपको द्राक्ष के बागान दिखाने लाया हूँ, आप देखिए। वैसे तो सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया, लेकिन काफ़ी सारी आप देख सकते हो ऐसे लगी हुई है, देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य है।